और सवाल आपसे, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिकेट? हाँ, अरे वाह, क्रिकेट तो हम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन क्रिकेट का हमें हिंदी फॉर्मेट का नाम नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप भी बताइए, हमें तो आप बताइए ना, हमें नहीं पता है। क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट तो हम बहुत देखते थे, अब नहीं देखते हैं, अब तो समय नहीं रहता है। तो क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिकेट का हमें नहीं पता, क्रिकेट को क्या कहते हैं? दोस्तों हम इसका उत्तर बताएंगे लास्ट में, पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगर आपको मालूम है, हम आपको बता दें। आपके सामने पहला सवाल, श्याम लाल का मुर्गा अंडा दिया, ठीक है ना? रामलाल के, किसके यहाँ? रामलाल के। हाँ, श्याम लाल का मुर्गा अंडा दिया रामलाल के यहाँ। रामलाल के यहाँ तो अंडा किसका होगा? श्याम लाल का मुर्गा रामलाल के यहाँ अंडा दिया, तो हालांकि श्याम लाल और रामलाल तो आदमी हैं, अंडा जो होगा वो कहीं ना कहीं रामलाल का तो नहीं होगा और श्याम लाल का भी नहीं होगा। अंडा मुर्गी का होगा, लेकिन मुर्गा अंडा दिया है ये तो अब हमारे दर्शक ही बता सकते हैं कि मुर्गा अंडा देता है या नहीं देता है तो यहाँ पर हाँ, क्या होगा बताइए ना? मुर्गा अंडा देता ही नहीं है तो अंडा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम उत्तम केवड़। दोस्तों आज फिर से दिमाग लगाओ एपिसोड नंबर 4 पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे ही क्षेत्र के एक ऐसे यूट्यूबर जिनके अभी YouTube पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, जिनका नाम है संजय गुप्ता सतना। आप इन्हें लगातार YouTube पर देख सकते हैं। दोस्तों आज इनके दिमाग की कुछ कसरत करते हैं। बिल्कुल, तो आप आज ही धन्यवाद उत्तम जी। हाँ पूछिए। अच्छा, जो आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसी वीडियो बनाते हैं? हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं और जो कि पूरे भारतवर्ष में लोगों तक पहुंचता है, जगह जगह से कमेंट आ रहे हैं और मैंने स्वयं नहीं सोचा था कि इतनी दूर दूर तक हमारी वीडियोस पहुंचेगी और लोगों का इतना प्यार मिलेगा और आज आप सभी लोगों की बदौलत हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सिल्वर प्ले बटन आ गया? सिल्वर प्ले बटन बस रास्ते में ही है, 1-2 दिन में हमें मिल जाएगा। अरे बहुत बहुत बधाई। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए, अगर आज आपको, अगर आप हमारे सवाल का उत्तर देते हैं तो हम आपको हर एक सवाल पे आपको 10 रुपये, बस 10 रुपये आज की महंगाई में 10 रुपये क्या होगा भाई साहब? जो नियम है केबीसी तो आप देखे होंगे, 10 रुपये में और इसमें कोई भी आपको लाइफ लाइन नहीं मिलेगी, ना पूना फ्रेंड मिलेगा, बस आप ही को मिलना है। तो इस सवाल का अगर आप लोगों को जवाब मालूम हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग भी अपना दिमाग लगाते जाइए और हाँ, हमसे पहले इन सवालों का जवाब भी देते जाइए। तो एक और बहुत बढ़िया सवाल है, मोहन के पिताजी के 3 लड़के, मोहन के पिताजी के तीन लड़के, एक का नाम अठन्नी, दूसरे का नाम चवन्नी, तो तीसरे का क्या नाम होगा? अब तीसरे का नाम जो होना चाहिए, पिताजी तो मोहन के हैं और उनके 3 लड़के हैं, एक का नाम अठन्नी, एक का नाम चवन्नी, तीसरे क्या होगा? तीसरे का नाम तो आपने शुरू ही में ही शायद बोल दिया है, मोहन होगा। अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। लोगों आपसे अब हो गई मजाकिया बात, एक और सवाल बताइए। हाँ ठीक है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को, हालांकि हमने मोबाइल चलाते चलाते 1,00,000 सब्सक्राइबर बना लिए हैं, लेकिन मोबाइल को हिंदी में दूरभाष कह सकते हैं, क्योंकि दूरभाष नंबर दिया रहता था जब वो टेलीफोन चलता था, टेलीफोन में लिखा रहता था संपर्क करें दूरभाष नंबर, तो दूरभाष ही हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत सही, बहुत सही। इनका क्या होना चाहिए? दूरभाष चलित। दूरभाष चलित, हाँ अच्छा, इसका नाम है मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल को हिंदी में कहते हैं। अच्छा एक और सवाल आपके सामने, संजय जी ऐसे दिमागी आदमी हैं और एक बात बताइए, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? पेट्रोल अच्छा पेट्रोल के दाम बढ़ने क्या कहेंगे? मेरे भाई और बहनों मैं कुछ नहीं कहना चाहता मुझे नहीं पता कि पेट्रोल को हिंदी में क्या, ईंधन तो कहते हैं तो ईंधन में तो सभी आ जाते हैं, और पेट्रोल को खास तौर पे क्या कहते हैं ये भी हमें नहीं पता है। तो हम इसका आपको उत्तर बता देते हैं, पेट्रोल को सिला तेल कहते हैं। सिला तेल, हाँ
लेकिन वो तो सिला नहीं रहता कहीं पे, नजर नहीं आता, चिपचिपा रहता है, चिपचिपा नहीं रहता। दोस्तों ये थे हमारे साथ जुड़े हुए संजय गुप्ता, इनका एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छे कहानियाँ देते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इनके चैनल पे जाइए, अभी 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। संजय गुप्ता सतना के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।